वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम लोग ये कॉलीफ्लावर हमारी इधर लग चुके हैं। और जब भी हम लोग सीड्स लगाते हैं या कोई ऐसे प्लांट लगाते हैं उसके साथ हम लोग भी खेतों में रुक जाते हैं। अभी देखो ये अनचाही घास कितनी निकल कर आई यहाँ पर। तो अभी आई तो किसी को बैठने ही नहीं देती, सबको काम पे लगाती और बोल रहे अभी बारिश आने वाली है, फटाफट से काम स्टार्ट करो और खत्म करो। चलो फिर खत्म करते हैं जल्दी से फटाफट। क्या मारी दी सीधे शक्ति को भी। और आज हम लोग ये गोभी में से अनचाही घास निकालने का काम शुरू था। और फर्स्ट टाइम आज हम लोगों ने आई को कैमरा मैन बनाया। तो अरे आई ने जब कैमरा हाथ में लिया ना तो उन्होंने देखा कि अनिता को लगा कि वो हम लोगों को बोल रहे बहुत अच्छे लग रहे हो कैमरे में, क्योंकि वो बोली कि हमारी कॉलीफ्लावर कितनी सुंदर दिख रही है। क्योंकि उनको ना हमारे वो काम करते हैं शुरू से, तो उनको ये कॉलीफ्लावर फसल जो भी है उनसे बेहद प्यार है। तो उन्होंने जब पहली बार कैमरे में देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते खेत। और अभी बारिश थोड़ी थोड़ी होने लगी है तो माहौल भी बहुत सुंदर बना है। तो इसी सुंदर माहौल में जब काम करते हैं तो पसीना छूटता है, लेकिन फिर भी हम लोग बातें करते हैं, इससे थोड़ा सा फिर ब्रेक लेते हैं तो हमारे लोगों का काम थोड़ा सा इजीली हो जाता है। पर यहाँ पर ना वर्कर बिल्कुल भी नहीं मिलते काम को, क्योंकि हमारे पास में ही चंद्रा एमआरडीसी है तो वहाँ पे सारे लोग कंपनी में जाते। तो जो भी काम करने होते हैं घर पे करने होते, तो जब जिसके पास घर के लोग हैं वही खेती करे वरना छोड़ दे, वरना हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वर्कर बिल्कुल मिलते ही नहीं। और अभी बारिश के कारण थोड़ा थोड़ा इतना पानी नहीं है कि इसको हम लोग पानी भर सके। अभी कुएं में पानी नहीं आया, लेकिन ऊपर की थोड़ी थोड़ी सी रिमझिम सी बारिश आती है उसमें से इसका काम चल रहा है। तो इसी के भरोसे हम लोगों ने इतने सारे फ्लावर्स लगा दिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लगाए और उनमें काम भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पूरा बारिश का वेट करेंगे। जब पूरी बारिश आएगी नदी को पानी आएगा, फिर कुएं को आएगा, तब तक वेट करेंगे तो हमारा ये खेती का सीजन पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए जैसे चल रहा है वैसे भी हम लोग आगे आगे लगाते जा रहे हैं। तो आज भी हम लोगों को कोई नहीं मिला था और अभी इसमें इतनी बड़ी अनचाही घास नहीं निकली है। इसी से हम लोगों ने काम शुरू करते, फिर हम प्लानिंग करते हैं कि ज़्यादा ये घास बड़ी हो जाएंगी तो काम करेंगे, तो इतना सारा खेत एक दिन में नहीं निपटा पाएंगे। तो क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी जब आने लगती है ना अनचाही घास, तभी उसको उखाड़ के फेंक देते, तब जाके वो जब बड़े होते ही नहीं तो उसको टाइम कम लगता है। जब ये बड़े हो जाता है ना तो उसको हटाने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है जब ये छोटे हो उसको निकालने को ताकत भी कम लगती है और वो भी आसानी से निकल कर आते बाहर। तो अभी बारिश आने की संभावना है, इसीलिए हम लोगों ने अभी शाम के टाइम में फिर कॉलीफ्लावर लगाने का पिक शुरू कर दिया। दिन भर हम लोगों ने खुरपे से उसको उधर अनचाही घास निकाली और अभी इधर आगे लगाने का काम भी शुरू है, क्योंकि जब बारिश होगी तो इसको थोड़ी भी बूंदे गिरी ना तो इसका काम चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो अभी ये कैसे लगाते हैं अभी दिखाते हैं आपको। और हम लोगों ने 4 बजे तक जो फ्लावर लगाई थी उसकी अनचाही घास हटाई और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे को स्टार्ट कर रहे लगाना, क्योंकि 4 बजे के बाद लगाएंगे तो वो माहौल ऐसा ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको ये नहीं निकलेगा। ये तो चिपका दो बस, मिट्टी में थोड़ी सी गीली हो गई तो मरती नहीं है। तो और कल सुबह लाइट आएगी, लोड शेड्यूल की वजह से अभी लाइट भी नहीं है। थोड़ा बहुत पानी है, एक बार तो पानी भरना पड़ेगा ना इसको, तो इसीलिए अभी लगा कर रखेंगे। फिर सुबह और लाइट आएगी तो रात को 11 बजे आती है, सुबह 7 बजे तक होती, तो फिर इससे पहले नहीं लगा सकते ना। इसीलिए क्या करते हैं, जब ठंडा टाइम होता है 4 बजे के बाद तो इसको लगा देते और फिर रात को या कल 7 बजे से पहले इसको पानी छोड़ते। तो जब ये पानी देंगे तो फिर ये बहुत अच्छी सी ग्रो करेगी, लेकिन इतनी सुबह सुबह कैसे लगाने होगा, इसीलिए अभी फटाफट से लगा रहे।
और ये हम लोग पहले ना इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, अभी थोड़ा इजीली हो गया है। पहले तो हम लोग कुदाली से एक एक गड्ढा बनाते हैं, फिर उसमें एक एक लगाते। अभी ये यहाँ पे बहुत हार्ड है इसीलिए, क्योंकि यहाँ आने जाने का रास्ता है ना, इसीलिए यहाँ पे कड़क हो गया। तो फिर आगे जाएंगे तो बस चिपका देंगे इसको, लगा ऐसे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके हम लोगों ने इतनी सारी फ्लावर लगा दिए, बस रोज के थोड़ा 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 लगा के। और सीड्स भी हम लोगों ने घर पे ही रेडी किए, इसीलिए ये ख़त्म होने के बाद पास में से खेत में से लेकर आएंगे। तो इसी तरह से फटाफट लगाते हैं अभी। इसी तरह से अभी हमारे खेतों में बहुत सारे काम शुरू है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बन चुका है। हाय गायत्री, गायत्री हमारे घर जा रही है, मेरे को बातें करती है। हेलो। तो इस हमारा खेत है ना बिल्कुल रास्ते के ऊपर है, सब आते जाते बात करते रहते। तो अभी मैं कहाँ पर थी, हाँ मैं बता रही थी अभी बारिश के दिनों में बहुत सारे काम शुरू होते हैं खेतों में, ढेर सारा काम बिखरा हुआ, या वाह वाह वाह, बस करते जाओ करते जाओ। और हमारे इधर MIDC पास में, इसीलिए वर्कर बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि हर कोई कंपनी में जाता है जिनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे खेत है वो, तो इसीलिए घर पे ही सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं। अभी शुरू में तो हम लोगों को बहुत वर्कर मिल जाते आसानी से, लेकिन अभी नहीं, तो काम करना पड़ता है। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट कर चुके हैं हमारे काम। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और घर के सामने ये एलोवेरा लगा है हमने, बहुत अच्छे से आया है। और इस एलोवेरा का हम इस्तेमाल करते हैं बालों को जड़ों में लगाने के लिए, बहुत अच्छे से बाल हो जाते हैं, बहुत शाइनिंग भी करते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे बहुत अच्छे आए, तो ढेर सारे इसमें से लगाएंगे। और ये फेस को भी लगाओ ना तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी हेल्दी नेचुरल स्किन बन जाएगी आपकी। तो इसी तरह से हम लोग काम भी करते हैं और थोड़ा बहुत स्किन का भी ख्याल रखते हैं। तो आप भी आपके घर के आंगन में कहीं लगा सकते हो, एक बार एक पौधा लग गया तो ढेर सारे आ जाते। तो और अभी आप इतना सारा हम लोगों का लगाना बाकी है अभी। और फिर शाम के टाइम में जैसे कि घर में खाना बनता है दिन में बनता है, मॉर्निंग में इवनिंग में बनता है, उसी तरह से हम लोगों के घर में खाना बनाने से पहले हम लोग हमारे जानवर के हरा सूखा चारा का बंदोबस्त करते। तो अभी घर जाने से पहले हमें इसको कट करके उसको डाल दूंगी, तब जाके हम घर में जाएंगे फ्रेश होके फिर खाना बनाएंगे। तो इसी तरह का रूटीन होता है हमारा, हम लोगों का कुछ तय नहीं होता है ऐसे प्रॉपरली कि अब ये करना है इस दिन भर, जैसे जैसे आगे आता है वैसे वैसे चेंज होता है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश की गुंजाइश नज़र आई था हम लोगों ने आगे की फ्लावर्स लगा दी और कुछ काम नहीं था, इसीलिए
वो खुरपनी भी कर ली और अभी, लेकिन ये तो काम बहुत जरूरी होता है, कुछ हो ना हो काम नहीं हो तो चलेगा, किया नहीं तो चलेगा, लेकिन हमारे जानवर के लिए हरा चारा सूखा चारा बहुत इम्पोर्टेंट। और इसमें ना बहुत सारे कीड़े लगे जिससे खुजली आ रही थी मेरे को बहुत, क्योंकि मैं बताती हूँ ना बारिश के दिनों में बहुत सारे अनचाहे कीड़े का माहौल घर बन जाता है। तो उसको अभी ये बहुत सारे अभी उठा कर लेकर जाते हैं ना तो पूरे बदन में लग जाता है कीड़ा, और वो हेवी भी बहुत था इसलिए मैंने इसको नीचे पटका दिया। कुछ टाइम में वहाँ पे रुकी और फिर जाए, क्योंकि ये बहुत दूर है और ये ग्रीन ग्रीन मतलब होता है तो बहुत हेवी होता है वेट में तो भारी है, तो देखो पूरा झुक गए मैं इतना लेके आ गई। तो इसी अभी ये, लेकिन ये बहुत मज़े से खाएंगे, इसको कट नहीं किया तभी भी, तो फटाफट से डाल लेते हैं इनको और अभी मज़े से खाएंगे। और अभी आज की मेरी काम यही तक था, तो आज हम लोगों का काम यही ख़त्म होता है, तो आज की वीडियो को भी हम लोग यही स्टॉप करेंगे। लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। तो फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।